हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपका बजट 15,000 है, इस बजट में आप अपने लिए कोई बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, देन आप सही वीडियो पे आए हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000। 15,000 के अंदर जो जो स्पेसिफिकेशन आप एक्सपेक्ट करते हो, सभी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पावरफुल प्रोसेसर, तगड़ा कैमरा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, हाई रिफ्रेश रेट, मतलब कि सब कुछ आपको बेस्ट लेवल का मिल जाएगा। ये पांचों स्मार्टफोन इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। सभी स्मार्टफोन का जो प्राइस है 1,000 से 2,000 रुपये अप डाउन होते रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। एंड स्मार्टफोन लेने से पहले आप एक बार अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर प्राइस चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ भी आपको 1,000 से 2,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सभी स्मार्टफोन का जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड अगर आपको पसंद आए तो आप बाय भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। और आप बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो पोको की तरफ से पोको X5 5G। वैसे तो ये स्मार्टफोन 17,000 से 18,000 के करीब में आता था जब ये लॉन्च हुआ था, बट अभी के टाइम पे बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के 14,000 से 15,000 में मिल जाएगा। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ये जो स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, सिंगल मास्टर स्पीकर है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3S तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5,000 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है एंड इसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.67 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैंपलिंग रेट भी है। 1200 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको स्पेक में 48MP+8MP+2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 13MP का सेल्फी कैमरा। कैसे इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है, डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है बट लो लाइट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतु स्कोर 4 लाख के करीब में है। ओवरऑल नॉर्मल यूज में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है 14,999 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये। तो अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर कंप्लीट पैकेज स्मार्टफोन चाहिए अंडर 15,000, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो रियलमी की तरफ से रियलमी 11X 5G। ये स्मार्टफोन इस लिस्ट का सबसे नया स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन भी आपको 14,000 से 15,000 में मिल जाएगा एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि बेस्ट ऑलराउंडर सेंटर के स्मार्टफोन है। तो आप जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 सिम प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिंगल मास्टर स्पीकर है, फोन कॉल करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5,000 mAh का बड़ा बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.72 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 6.18 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड पांडा ग्लास का प्रोडक्शन भी है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको अच्छा मिलता है, IPS डिस्प्ले है बट परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाएगा, कंटेंट वाचिंग में काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपके स्पेक में 64MP+2MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 8MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का परफॉर्म करता है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ का 5G चिपसेट और जो उसका अंतु स्कोर 4,30,000 के करीब में है। गाइस, ये जो चिपसेट है वो काफ़ी न्यू चिपसेट है। ओवरऑल नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इसे आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में।
तो इसको 6128 का जो प्राइस जो 14,999 रुपये यानी कि 15,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको एक बेस्ट डिजाइन डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस एंड एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। थोड़ा सा और एक बार तो बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोवा 5 Pro 5G। अगर आपको एक बेस्ट यूनिक डिजाइन वाला तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है, IPX2 का सर्टिफिकेशन है, RGB लाइट इंडिकेटर देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी कमाल का लगता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM+1 memory card लगा सकते हो। डुअल स्टोरेज स्पीकर है, फोन को लगाने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेगा एंड 2S तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। 5000mAh का बड़ा बैटरी है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 68W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.78 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 518 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। डिस्प्ले का साइज बड़ा है तो गेमिंग में एंड कंटेंट वाचिंग में आपको काफ़ी मजा देगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्पेक में 50MP+AA lens का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 2K 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इसका डिसेंट टाइप का परफॉर्म करता है और अबव एवरेज टाइप का बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में यानी कि इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है मीडियाटेक डायनेस्टी 6080 का 5G चिपसेट और जो इसका अंतुतु स्कोर 3,90,000 के करीब में है। परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा रहेगा एंड अगर आपको एक गेमिंग सेंट्रिक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस जो 14,999 रुपये यानी कि 15,000 रुपये एंड 8256 का जो प्राइस जो 15,999 रुपये यानी कि 16,000 रुपये, 1000 से 1500 का दोनों वेरिएंट पे आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 8256 वाला जो वेरिएंट है वो आपको 15,000 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड गाइस आप अपना जो बजट उसको 1000 रुपये एक्स्ट्रा कर लेना एंड 8256 वाला जो वेरिएंट है वही आप लेना। तो अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बड़े थोड़ा सा और अगर थोड़ा बात कर लेते हैं सेकेंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में सेकेंड नंबर में रैंक करता है वो इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 30 5G। अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM+1 memory card लगा सकते हो। फोन कॉल लगाने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेगा एंड 2S तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। 5000mAh का बड़ा बैटरी दें इसको चार्ज करने के लिए, 45W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.78 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 518 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड NEG ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 108MP+2MP+AI lens का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 2K 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का मिलता है, मतलब कि ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है मीडियाटेक डायनेस्टी 6080 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतुतु स्कोर 4 लाख के करीब में है। परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 14,999 रुपये यानी कि 15,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। मैडम थोड़ा सा और आगे बढ़ता और बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो मोटो की तरफ से मोटो G54 5G। ये स्मार्टफोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको एक बेस्ट यू वाला एक अच्छा बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP52 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी और डस्ट रोक सकता है। डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM+1 memory card लगा सकते हो।
फोन को अनलॉक करने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको एक ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 6000 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है एंड इसको चार्ज करने के 33 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 580 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाता है, कंटेंट वाचिंग के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्क्वेयर में 50 MP जिसमें लगा OIS का सेंसर प्लस 8 MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080 वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस इसमें आपको डिसेंट टाइप का मिलेगा, डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा एंड लो लाइट में ठीक ठाक परफॉर्म करता है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतु स्कोर 4,70,000 के करीब में है। नॉर्मल यूज में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम लेवल की गेमिंग कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है 14,999 रुपये यानी कि 15,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज़।